नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं सोमवार के लिए मतलब 16 सितंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मैंने निफ्टी फ्यूचर्स का सितंबर फ्यूचर्स का चार्ट ओपन किया है। इधर देखिए, मैंने लास्ट फ्यू वीडियोस में मैंने कंटिन्यूसली बोल के जा रहा हूँ कि ये पुल बैक हो जाए होगा, थोड़ा पुल बैक हो सकता है, लेकिन ये अप ट्रेंड, ये मतलब इट विल कीप अप इज अप ट्रेंड, एंड ऐसा ही हो रहा है। देखिए, आज 11,100 का जो रेजिस्टेंस था वो भी तोड़ दिया, और ये अभी 11,114 में ये क्लोज लिया है, लेकिन 11,000 हाई मरा था 11,118। तो ये पहले पुल बैक हुआ था 10,960 तक, इधर ही उसका ये 10,950 में इसका सपोर्ट है 10,960 में, उसके बाद उसका नीचे जाएगा तो 10,905, 10,908, उसके बाद 10,880, उसके बाद 10,859, उसके बाद 823, और उसके बाद 790 में ये सपोर्ट ले सकता है। ऊपर जाएगा तो ये इसका फर्स्ट लेवल होगा 10,180, इसका फर्स्ट लेवल होगा, उसके बाद ये 200 का ऊपर जा सकता है। और इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा तो निफ्टी का ऑप्शन चेन में ये फर्स्टली देखिए पीसीआर रेशियो 1.4 के ऊपर हुआ है, 1.4 तक गया है, ये और ऊपर जा सकता है, थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है, छोटा छोटा पुल बैक हो सकता है, लेकिन ये अप ट्रेंड ही रहेगा। ये आप लोग मान के चल सकता है कि 10,650 तक इसका सपोर्ट है, तो इसको मतलब आप लोग अभी तक पुलिस ट्रेंड मतलब पकड़ के, व्यू पकड़ के ही चल सकता है। ये देखिए 11,200 में इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट किया है, शिफ्ट किया है, 11,100 में इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो तोड़ चुका है, और इधर लॉन्ग बिल्डअप कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप है, और इसका 11,000 में इसका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ये भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, हो सकता है कुछ शॉर्ट कवरिंग हो, इसके वजह से कुछ 11,100 के नीचे जा सकता है, लेकिन इट सीम्स टू कीप अप विथ अप ट्रेंड। एंड इसका प्रोबेबिलिटी देखूंगा तो ये 11,000 अभी तक देखिए, इसका मैंने इस वीक का मैंने पकड़ा है, ये 11,000 का सपोर्ट है, और 11,200 में रेजिस्टेंस है, तो ये स्टिल मतलब डाउन ट्रेंड दिखा रहा है प्रोबेबिलिटी, बट इट विल कीप अप इस अप ट्रेंड। इधर आप लोग मतलब बैंक निफ्टी का भी चेक कर सकता है, इधर बाद में मैं बोलता हूँ, हो सकता है मैंने मिस कर जाऊँगा, वीडियो का टाइम खत्म हो जाएगा। और बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने एनालिसिस करूँगा तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में देखिए, इसका 28,000 का जो था, 28,000 में जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस था वो तोड़ चुका है, इसका 28,250 तक गया है, 28,250 में ये 178 में ये क्लोज लिया है, इसका हाई हुआ था, इसका हाई गया था, हाँ 11,200 में ये 11,200 का तक ये गया था, उसके बाद ये 11,200 के ऊपर जाएगा तो 2,505 तक ये फर्स्ट लेवल आ सकता है, उसके बाद 11,700 तक जा सकता है, और नीचे ये देखिए 11,536 के नीचे, 500 के नीचे मतलब ये आएगा तो 270 तक आ सकता है, 124 तक आ सकता है, और 26,955, उसके बाद 26,955, उसके बाद और भी नीचे जा सकता है। इसका आप लोग मान सकता है कि 26,500 में इसका सपोर्ट है। इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा तो